दुर्भाग्यपूर्ण मौत महाराष्ट्र में हुई है और उत्तर प्रदेश से आधी जनसंख्या है और पूरे देश की 73,900 मौतें दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की जान चली गई क्योंकि वहां की सरकार वसूली कर रही थी। मैं केवल एक बात कहूंगा, ना 1 में है ना 13 में है, उत्तर प रदेश में पंजा कहीं है ही नहीं, वो ना 3 में 13 में है, इसलिए जनता 76 के आसपास रोक रही है या फिर उनके भी आंकड़ों को अगर हम मान ले तो 3,000 में ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। वहीं आपकी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति वैसी है, किसानों का आंदोलन हो या फिर कोरोना का मुद्दा हो, उस मुद्दे पर आप लोगों के बल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं गौरव भाटिया। ठीक है, एक सेकेंड जरा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, जरा उनकी बात हो जाए, शांत्रु गुप्ता जी के भी पास जाना है, सुप्रिया जल्दी से आप जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, आपके पास भी तो कोई रोल मॉडल नहीं है ना, कोई मॉडल स्टेट जो आप दिखा सके देश के सामने। चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ओपनिंग वक्तव्य ही था वो कोरोना पर था और मैं इस शो में भी कोरोना और कोविड के कुप्रबंधन के बारे में, लोगों की जान बचाने के बारे में, सुर्खियां ना बटोरने के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो पता नहीं कौन सी तोहमत लगा रहे हैं। दूसरा, जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश को मिली है, ये सच है कि उत्तर प्रदेश तेलंगाना के बाद वेस्टेज में नंबर 2 पर है, नंबर 2 पर 17% वेस्टेज उत्तर प्रदेश में हो रही है, करीब 19% वेस्टेज तेलंगाना में हो रही है। और मैं एक बात और जरूरी के लिए, जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मॉडल स्टेट की बात करी थी, महाराष्ट्र में केसेस 2554 हो गए रोजाना, पॉजिटिविटी रेट ड्रॉप करके 1.7 पे आ गया है और रिकवरी 90% हो गई। ये इनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि गलत आंकड़े और झूठ बोलना गलत काम है। ठीक है, अब जरा इसे हम आगे बढ़ते हैं, अनुराग भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। एक मिनट सर, ये बात सही है कि कोरोना काल ये जो मौजूदा वक्त है इस पर बिना तूतू मैमे के हमें तुरंत जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं वो तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए, वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, बीजेपी की हो या कोई भी हो, लेकिन इन सब के इतर जिन चुनावी रिजल्ट पर हम चिंता कर रहे हैं, एक सेकंड अनुराग मैं आ रही हूं, दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लोग जो चुन कर आए होंगे उनके हाथों में हमारा भविष्य है, हमें कैसी सुविधाएं मिलेंगी कैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इलाके में काम होगा नहीं होगा, इन सब लोगों के ऊपर वो दायित्व होगा, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी जनता किसको दे रही है, वो भी कोरोना के इस काल में ही, इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। और इसी वजह से सुप्रिया जी मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपकी बातें तो सभी सही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रही तो उसके बारे में गंभीरता से मंथन करना होगा कांग्रेस पार्टी को। अब शांत्रु गुप्ता जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये मथुरा, काशी, लखनऊ, गोरखपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ और पिछले अगर हम 20 सालों से देखें तो लगातार यहां पर ग्राफ ऊपर ही गया है इस पार्टी का, लेकिन अब ये हाल चित्रा जी, कई लोगों ने इसका मेंशन करा, मैं आपके दर्शकों को थोड़ा पंचायत चुनाव के बारे में आधे मिनट में बताऊंगा। पंचायत चुनाव जैसे सबने कहा पार्टी सिंबल से नहीं लड़े जाते हैं, पार्टी अनुमोदित या पार्टी समर्थित केवल कैंडिडेट लड़ते हैं। और कई बार जैसे मैं आपको अलीगढ़ में बताता हूँ, अलीगढ़ में एक सीट है जहाँ से 4 भाई चुनाव लड़ रहे हैं, मेरठ में 2 सीट है जहाँ चाचा भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, परिवार में लड़ते हैं, एक सपा समर्थित है, एक भाजपा समर्थित है, तो लोकल भी नहीं हाइपर लोकल, एक एक जिले में 40-50 सीट होती है, जहाँ पे केवल 1 या 1.5 लोकसभा सीट होती है या 5 विधानसभा सीट होती है, वहां पे 40-40 सीट होती है, लोकल मुद्दे भी नहीं हाइपर लोकल, और आपकी पहचान से मेरे मित्र का है, तो जैसे 2015 में सपा को अभी से तो कम सीट आई थी लेकिन ज्यादा सीट आई थी लेकिन वो निर्णायक नहीं हुआ था 2017 में, तो पंचायत चुनाव कोई भी हो नॉर्मली वो सूचक नहीं होते, केवल जो ग्राम पंचायत की निधि होती है वो मैनेज होती है इसके थ्रू, तो सूचक बहुत ज्यादा नहीं होते। और ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ये दोनों समर्थित होते हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सपा की टिकट नहीं मिल पाई, जिनको भाजपा की नहीं मिल पाई, इनको बसपा की नहीं मिल पाई, मेरे ख्याल से सही सूचक होगा जो अगले 10 दिन में चेयरमैन कौन बनता है, जो 75 जिले हैं उसमें 75 चेयरमैन कौन बनेंगे, उसमें निर्दलियों की भूमिका तो अहम हो जाएगी, सपा समर्थित बनते हैं क्योंकि उन्हीं के समर्थन से तय होगा कि चेयरमैन कौन बनेगा, नहीं उन सीटों से नहीं।